में कोर्ट में बैठे और हमारे साथ हैं वाहिद भाई जो कि सिवनी के एक बड़े फेमस पत्रकारों में से एक हैं। हाँ वाहिद भाई, ये बताइए कि सिवनी में अभी जो मौसम बना हुआ है बारिश का, इससे बिजनेस तो बिजनेस कोर्ट में भी शायद समझ में आ रहा होगा, लोगों के आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, पता देना चाहूँगा मैं कि पिछले 3 दिनों से जितनी बारिश में बरसात नहीं हुई उतनी पिछले 3 दिन में गिरी और एक दिन तो पूरा दिन भर गिरा है पानी यहाँ पे। आज कुछ सुकून है लेकिन मौसम फिर भी बदली हुई छाई हुई यहाँ पे। इस चीज़ों का प्रभाव सीधे सीधे दूसरी जगह तो पड़ता ही लेकिन कोर्ट में ज़्यादा इसलिए पड़ता है कि ग्रामीण आदमी यदि निकलना चाह रहा है घर से और सुबह यदि मौसम खराब है तो वो फिर निकलेगा नहीं और यहाँ कचहरी नहीं आएगा, और यदि फिर कचहरी नहीं आएगा तो यहाँ का फिर वैसे भी व्यवसाय में फर्क पड़ेगा। उसी के चलते हुए आप देख सकते हो कि आज शुक्रवार का दिन है लेकिन जितनी पब्लिक यहाँ होना चाहिए उतनी पब्लिक नहीं है और लोगों के धंधों में बहुत फर्क पड़ रहा है। और शनिवार इतवार यहाँ लगभग बंद के समान रहता है तो ऐसा माना जाए कि लगभग सप्ताह में 4 दिन यहाँ काम हो पा रहा है बस। आपने देखा कि किस तरह से अभी वाहिद भाई ने बताया कि किस तरह से सप्ताह में 4 दिन काम हो पा रहा है और सिवनी में इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है जो कि सुनने में तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, मगर मैं आपको बताऊं कि अल नीनो प्रभाव का असर है। अल नीनो प्रभाव का असर ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड के जगह का जो मौसम होता है नवंबर दिसंबर तब तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कोर्ट के बाहर का सीन और देखें आप किस तरह से जिस तरह की भीड़ होती थी यहाँ नज़र नहीं आ रही है बारिश के सीज़न की वजह से। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है आम दिनों में, कि बारिश का असर है। देख सकते हैं आप बारिश को देखने के लिए सामने कंडीशन देख सकते हैं आप, उससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि बारिश कैसी हो रही है। फिलहाल तो रुकी हुई है मौसम मगर बना हुआ है, कभी भी बरस सकता है। दोस्तों बारिश के इस मौसम में जो लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल बने हुए हैं, तो आपके आसपास कौन सी फसल लगी हुई है जिसको इस बेलगाम बारिश से नुकसान हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मौसम बना हुआ है फिर से तेज़ बारिश का, ऐसे में क्या लगता है आपको फसलों के बारे में, अगर आप किसान हैं किस तरह के नुकसान होने की संभावना है? बारिश हो रही है लगातार सिवनी में, इससे किसानों के लिए क्या समस्या है? देखा जाए तो इस कृषि वर्ष में बारिश सिवनी जिले में अतिवृष्टि हुई है, तो देखा जाए तो मक्के की जो फसल है वो लगभग 70% फसल खराब हो गई है। इस बार जो फसल जैसे पिछले 2-3-4 सालों से आ रही थी अच्छा उत्पादन हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 60-70% उत्पादन मक्के का कम होगा बारिश की वजह से। और अभी जिन किसानों ने सोयाबीन बोया हुआ है वो सोयाबीन आके पक के तैयार हो गई है पर बारिश के कारण किसान नहीं काट पा रहा है, तो उसकी खराब होने की भी संभावना है। तो मक्का के रेट में कुछ फर्क पड़ेगा? मक्के का रेट तो देखा जाए तो 2225 रुपये MSP है, गवर्नमेंट ने तय की है और इस बार शायद MSP पे गवर्नमेंट खरीद भी रही है, और अब देखेंगे मंडी जब खुलती है तो उसमें क्या रेट आता है। वैसे एथेनॉल का जब से यूज़ हो रहा है मक्के का एथेनॉल बनाने में, तो अभी कुछ हाइक हुए हैं रेट, अब इस बार पता चलेगा कितना